गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हमारा लेसन नंबर 7 आई लव गुजरात जो है वो टेक्स्ट बुक में से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले आई होप आपने मेरे तीनों वीडियो देख लिए होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसलिए आपको गुजरात के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता पड़ गई होगी, बराबर ना? आपको पिरोटन आइलैंड, कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ, फिर अपना ये नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम, उन सब के बारे में जो है अच्छे से पता पड़ गई होगी, है ना बेटा? और ये माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है वो पता पड़ गई होगी, बराबर ना बेटा? तो अब जो है हम इसमें से लेसन शुरू करेंगे। इट इज़ अ फ्लेमिंगो, एवरी ईयर इट माइग्रेट्स टू गुजरात। फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। Flamingo is a bird which comes from foreign countries. Along with flamingo, other birds also come. Birds coming from foreign country are known as migrated birds, है ना? तो ये जो है मैंने आपको बता दिया था कि दूसरी कंट्री में से जो बर्ड हमारे देश में आते हैं उसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं ना। माइग्रेटरी बर्ड्स यानी जो ठंडी, स्पेशली ठंडी के सीजन में आते, बराबर ना बेटा? आपने वीडियो 1 में ही मैंने बता दी थी ये बात, बराबर ना? तो फ्लेमिंगो जो है वो ऐसा ही एक पक्षी है जो दूसरे देश में से उड़कर हमारे गुजरात में आता है, बराबर ना बेटा? इट सीम्स गुजरात हैज़ कम। दिस टाइम आई हैव टू सी एंटायर गुजरात। तो ऐसा कौन बोल रहा है? तो ऐसा ये फ्लेमिंगो बोल रहा है कि गुजरात जो है शायद से आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है, और इस टाइम जो है मैं पूरा गुजरात अच्छे से देखूंगा। चिंकारा, कम ब्रदर फ्लेमिंगो, यू आर वेलकम इन गुजरात, आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ। तो चिंकारा यानी ये रहा, बराबर ना? तो वो फ्लेमिंगो से बोलता है कि ब्रदर अच्छा हुआ तुम आए, वेलकम गुजरात में, और मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, तो मैं लिटिल रन ऑफ कच्छ बताता हूँ। फ्लेमिंगो, हियर मोर क्वालिटीज ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस, इजेंट इट? तो फ्लेमिंगो ने बोला ये वही है ना जहाँ सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो चिंकारा बोला हाँ, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट ऑफ आवर कंट्री इज प्रोड्यूस इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ, है ना? तो जो है हमारे देश का आधा नमक जो है वो लिटिल रन ऑफ कच्छ में ही बनता है, और आपको कंडला हार्बर पोर्ट, है ना, सी पोर्ट जो है वो भी मैंने आपको बता दिया था लेसन नंबर 4 में, याद हो तो, बराबर? हमारा गुजरात का जो है वो क्या है, सी पोर्ट है ना, और यहाँ से कौन से ट्रेड होते, तो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं यहाँ से, बराबर ना? तो फ्लेमिंगो बोलता है फाइन, टूडे यू हैव इंट्रोड्यूस मी कच्छ टू मी, आई हैव सी एंटायर गुजरात, आई विल लीव नाउ, बाय बाय। तो फ्लेमिंगो ने बोलता है आज तूने मुझे कच्छ के बारे में बता दिया, अभी मुझे पूरा गुजरात देखना है ना, तो मैं जाता हूँ, बराबर ना? तो आपने वीडियो में बेटा देख लिया होगा, है ना, मैंने आपको बता दिया था भाई कच्छ के बारे में बताया था, रण उत्सव के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो है हमारे स्टेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस लेसन में दी हुई है, और वो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक अच्छे वीडियो में बनाकर बताई है। तो आई होप आप सब ने एंजॉय करी होगी, ना बेटा? अब विच अदर बर्ड्स कम टू योर विलेज फ्रॉम अदर प्लेस, तो ये तो थिंक एंड सेस, बराबर? तो ये तो हम बाद में करेंगे। Now Flamingo has reached to Piroton Island of Jamnagar district located in Bay of Kutch, है ना? तो ये भी मैंने आपको बता दिया था बेटा कि Piroton Island मैंने आपको बता दिया था, बराबर? Piroton Island में हमको क्या देखने मिलता है? तो Piroton Island में जो है हमको बहुत सारे कोरल रीफ, स्टार फिश, जेली फिश, डॉल्फिन और वो सब जो है हमको कोरल आइलैंड में देखने मिलती है ना। फिर सी ककुम्बर, टॉर्टोइज, ऑक्टोपस, ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ देखने मिलेगी? पिरोटन आइलैंड में। और ये पिरोटन आइलैंड कहाँ आया है? तो ये पिरोटन आइलैंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट के पास बे ऑफ कच्छ में आया हुआ है, बराबर ना?
तो अब ये क्वेश्चन आंसर तो बाद में हम करेंगे। फिर इसके बाद जो है फ्लेमिंगो कहाँ जाता है, तो वो जाता है हमारे गिर फॉरेस्ट में। और हमारे गिर फॉरेस्ट में क्या मिलता है, तो गिर फॉरेस्ट में जो है हमको हमारे एशियाटिक लायंस मिलते, बराबर ना। ये भी बहुत अच्छा सा सुंदर सा वीडियो था, है ना। तो सेंचुरी क्या होती है बेटा, सेंचुरी यानी जहाँ पर एनिमलों को प्रोटेक्शन मिलता है, यानी जहाँ उन्हें कोई मार नहीं सकता, तो उसे जो है हम सेंचुरी बोलते हैं। तो देखो आपको पता है गिर फॉरेस्ट जो है वो सेंचुरी है, यहाँ जाकर आप जो है कभी लायन को नहीं मार सकते। अ प्रोटेक्शन रीजन वेयर एनिमल एंड बर्ड कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ब्रीड इज नोन एज सेंचुरी, है ना बेटा। तो हमारे गुजरात में जो है गिर फॉरेस्ट सेंचुरी है। फिर दूसरी भी बहुत सारी, तो देखो बेटा हमारे यहाँ पे जितनी सेंचुरी है गुजरात में वो मैंने यहाँ पे आपको देखो बताइए। तो सबसे पहले कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर वाइल्ड एस सेंचुरी, गिर वाइल्ड फॉरेस्ट सेंचुरी, फिर शूल पानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब जो है वो हमारे ये अपने गुजरात की सेंचुरी है, बराबर। नाउ फ्लेमिंगो गोज टू गिरनार। देर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात अदर देन पावागढ़ इन विंध्याचल हिल रीजन इन पंचमहाल, आरासुर इन अरावली रेंज ऑफ बनासकांठा, सापुतारा इन द सापुतारा रेंज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट एंड शत्रुंजय इन भावनगर, है ना। देर आर मैनी स्मॉल लार्ज हिल्स इन गुजरात। तो देखो ये भी जो है मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, बराबर ना। तो हमारे गुजरात में जो है बेटा अच्छी अच्छी हिल्स भी है। डांग जो है हमारा सापुतारा डांग, वो सब क्या हिली एरिया है ना। अब टर्न द पेज। फिर देखो ये तो हम बाद में करेंगे, अभी ये कर लेते पहले। ये क्या है रीड। देयर इज़ अ बिग सेंटर ऑफ फिशरी इन द वेरावर अलोंग द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, है ना। तो ये जो है हमारे एक बड़ी फिशरी सेंटर है, वो कहाँ पर आई है, तो वेरावर में आई हुई है गुजरात रीजन में, बराबर ना। तो यानी यहाँ पे यही बताया है कि हमारे गुजरात में क्या क्या आया हुआ है। फिर देखो अ फ्लोरिशिंग इज़ अ ह्यूज बिजनेस ऑफ रैप्ड शिप थ्रीविंग इन अलंग पार्ट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। बाम्बू तो इसमें जो है हमको हमारे गुजरात के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बराबर। तो देखो बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज प्रोड्यूस इन ह्यूज क्वांटिटी एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इन द फॉरेस्ट रीजन। तो डांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा फॉरेस्ट रीजन है। ब्यूटीफुल बॉटनिकल गार्डन ऑफ वगाई एंड गिरा फॉल आर ऑल्सो देर, है ना। तो ये भी यहाँ पर है भाई। फिर बाम्बू सदद हदोरवो सीसम एंड टिमरू ट्रीज ग्रोन इन द फॉरेस्ट ऑफ डांग, है ना। तो ये जो है हमारे फॉरेस्ट, ये जो है हमारे ट्रीज यहाँ पर होते, बराबर। अब जो है देखो गुजरात इज़ द रीजन ऑफ मैनी रिवर। नर्मदा इज़ द बिगेस्ट रिवर। साबरमती तापी एंड महिसागर आर ऑल्सो बिग रिवर इन गुजरात, है ना। तो हमारे बेटा देखो गुजरात की सबसे बड़ी रिवर जो है वो नर्मदा रिवर है, बराबर। नर्मदा रिवर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो नर्मदा रिवर जो है वो MP मध्य प्रदेश के अमरकंटक के में से जो है उसका जन्म हुआ है। नर्मदा रिवर जो है उसका जन्म कहाँ से हुआ है बेटा, तो नर्मदा रिवर का जन्म जो है MP में मध्य प्रदेश में अमरकंटक में, बराबर, वहाँ पे उसका जन्म हुआ है। फिर वो MP से होती हुई हमारे गुजरात में आती है ना। और दूसरी हमारी बड़ी रिवर्स कौन सी है, तो साबरमती तापी महीसागर जो है ये भी हमारी बड़ी रिवर्स है, बराबर बेटा। अब हमारे नर्मदा रिवर पे जो डैम बना है वो कौन सा डैम है, तो वो सरदार सरोवर डैम है, बराबर ना। मैंने आपको वीडियो में बताया था। और ये सरदार सरोवर डैम जो है
उस पर, उससे क्या होता है तो भाई उससे जो है हमारे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और इरिगेशन के लिए पानी मिलता है, बराबर ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दूसरे तीन राज्यों में भी देते हैं हम। कौन कौन से राज्यों में? तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, है ना। तो ये तीन राज्यों में जो है इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी जाती है और हमारे पूरे गुजरात में जो है हमारा पानी सरदार सरोवर डैम से जो है मिलता है, बराबर ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे गुजरात में है, बराबर ना। अब उसके बाद द फ्लेमिंगो फ्लू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रिच गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद एंड कडाना डैम ऑफ महिसागर, बराबर। गांधीनगर इज द सिटी ऑफ गुजरात प्रोसेसिंग हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज। द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंद्रोड़ा पार्क एंड महात्मा गांधी मंदिर। फ्रॉम देर इट वेंट अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। This is Gandhi Ashram. Jai Ho Gandhi Bapu. Wow, Kakariya Lake also look like very beautiful, है ना। तो Flamingo जो है इसके बाद कहाँ जाता है बेटा? तो वो अमूल डेयरी, अमूल डेयरी आपको पता ना, हमने देखी हुई है। अमूल डेयरी में क्या बनता है भाई? तो अमूल डेयरी में जो है दूध मिलता है, घी मिलता है, बटर मिलता है, चीज़ मिलता है ना। तो ये अमूल डेयरी जो है वो किसने बनाई थी? तो वो डॉक्टर कुरियन ने बनाई थी ना। तो इसमें क्या है बेटा अमूल डेयरी में, कि आजू बाजू के गांव के जितने भी लोग हैं वो अपना दूध अमूल डेयरी में बेचते हैं ना, और ये दूध जो है वहाँ पाश्चराइज होता है और उसके बाद जो है हमको मिलता है, बराबर ना बेटा। अब फिर जो है हमारी कैपिटल कौन सी है? तो हमारी कैपिटल गांधीनगर है, बराबर। और गांधीनगर में आपको पता है सबसे ज़्यादा ट्रीज़ है, तो ट्रीज़ भी है और वहाँ पर इंद्रोड़ा पार्क भी है। यानी इंद्रोड़ा पार्क में क्या है, वहाँ पर आपको सारे एनिमल्स देखने मिलते हैं। फिर महात्मा मंदिर है, यानी महात्मा गांधी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताइए वहाँ पर, बराबर। फिर अहमदाबाद जो है वो कहाँ पर है भाई? अहमदाबाद जो है हमारे गुजरात का सबसे बड़ा सिटी है, तो वो कहाँ पर है? तो वो साबरमती रिवर के पास है, बराबर ना। और वहाँ पे गांधी आश्रम है, तो काकरिया लेक है। तो फ्लेमिंगो जो है वो बड़ा खुश होता है सब देखकर, उसको मज़ा आती है कि वाह गुजरात तो बहुत अच्छा है। फिर नल सरोवर इज़ अ बर्ड सेंचुरी बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्रनगर। ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बर्ड्स आर सीन हियर। आई एन्जॉय इन गुजरात, एन्जॉय अ लॉट, आई लव गुजरात। तो वो बाद में कहाँ जाता है? नल सरोवर जाता है। और ये नल सरोवर कहाँ आया है? तो ये अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर के बीच में आया हुआ है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन के बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो फ्लेमिंगो को जो है वो गुजरात बड़ा ही पसंद आता है और उसने बड़ा ही एन्जॉय करा। तो देखो अब हमारे पास हमारे गुजरात का मैप है, बराबर ना बेटा। और हमारे सबसे बड़ा क्या है भाई? कच्छ है। और कच्छ की बॉर्डर यहाँ किससे लगी हुई है? तो ये किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से लगी हुई, बराबर बेटा। और ये जो हमारा क्या है यहाँ पे, पूरा कोस्टल एरिया। और यहाँ पे क्या है हमारा? सी पोर्ट। कौन सा सी पोर्ट? कंडला सी पोर्ट, मैंने आपको मैप में बताया था, बराबर ना बेटा। फिर इस साइड हमारा सूरत आया, ये हमारा डांग, बराबर ना। ये डांग जो है हमारा सबसे छोटा सिटी है ना, बराबर बेटा। और हमारा अहमदाबाद जो है हमारे गुजरात का सबसे बड़ा सिटी, नंबर वन सिटी है ना। तो ये जो है हमारे गुजरात के बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी हुई। तो आई होप आपको मज़ा आई होगी पढ़ने में, बराबर। अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर और सब करेंगे। तो फ्लेमिंगो के साथ साथ में आपने भी आज जो है पूरा गुजरात घूम लिया बेटा, बराबर ना। हमने एशियाटिक लायन भी देख ली है, फिर हमने जो है डॉल्फिन भी देख ली, बराबर ना। तो हम भी ऐसे बोल सकते हैं कि आई लव माई गुजरात, ओके।